student, I am BN and you're watching your YouTube channel Education Hub with BN. Student, we are providing you important questions and mock tests with the first year, second year and third year. Student, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें. स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको टेस्ट मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूँ. बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर जो होता है आपका फर्स्ट पेपर लॉयर नॉन कॉडेटा, इसके आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे जो आपकी गत वर्ष की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं. तो टेस्ट को शुरू करने से पहले ही बिना स्किप किए हुए देखें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकोमोशन ऑन प्रोटोजोआ टेक्स प्लेस विद. प्रोटोजोआ में चलन जो होता है, तो प्रोटोजोआ में जो सीलिया, फ्लैजिला, स्यूजोपोडिया तीनों ही ये चलन अंग कहे जाते हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी जो हैं चलन अंग कहे जाते हैं संग प्रोटोजोआ के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू. कोरल्स आर मेड बाई, प्रवाल भित्तियाँ बनाते हैं. समुद्र में जो प्रवाल भित्तियाँ बनाई जाती हैं मूंगे की, वो कौन बनाते हैं? ए प्लेटी हेलमेंटीज, बी प्रोटोजोआ, सी सिलेंट्रेटा एंड डी पोरीफेरा. तो फाइलम सिलेंट्रेटा के सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्री निवासी होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, सिलेंट्रेटा. क्वेश्चन नंबर थ्री, इफायरा इज द लार्वा ऑफ. इफायरा लार्वा पाया जाता है ए पोरीफेरा, बी टीनोफेरा, सी सिलेंट्रेटा एंड डी प्रोटोजोआ. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, सिलेंट्रेटा. क्वेश्चन नंबर थ्री का सी, सिलेंट्रेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम सामान्यता कहलाता है. हुकबॉर्म, ऑरेलिया, लिवर फ्लूक या डी पोर्क टैप बार्म. तो क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर जो होगा वो डी, पोर्क टैप बार्म. टीनिया सोलियम को सामान्यतः हम टैप बार्म भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, स्काइपा का सामान्य नाम है. द कॉमन नेम ऑफ स्काइपा. ए बॉथ स्पॉन्ज, बी बॉल स्पॉन्ज, सी अर्न स्पॉन्ज एंड डी हॉर्स स्पॉन्ज. तो बताएं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा वो अर्न स्पॉन्ज इज राइट आंसर हो जाएगा, सी. क्वेश्चन नंबर फाइव में सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स. लिवर रूट इज कॉज्ड बाई, यकृत विगलन जो होता है तो किस में होता है? ए मोनोसिस्टेस, बी टीनिया सोलियम, सी फेशियोलिया हिपेटिका या डी इगुलिना. तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, क्योंकि यह यकृत विगलन होता है वो सी अर्थात भेड़ में होता है और फेशियोला हिपेटिका उसका पैरासाइट्स है. तो सिक्स क्वेश्चन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा. नंबर सेवन क्वेश्चन, विच ज्वाइंट इज डोमिनेंट इन ऑरेलिया. ऑरेलिया में कौन सा जीवाभावी होता है? तो ऑरेलिया में पॉलिप एंड मेडुसा दोनों जीवाभावी होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट, स्पंज में टोटिपोटेंस कोशिकाएं होती हैं. कोइनोसाइट्स, बी थीसोसाइट्स, डी थीसोसाइट्स एंड डी आर्कियोसाइट्स. माफ़ी चाहूँगा कि डी दो जगह आ गया है. तो स्पंज में जो होती हैं टोटिपोटेंस कोशिकाएं वो आर्कियोसाइट्स होती हैं. नाइन क्वेश्चन नंबर, मोनोसिस्टिस किस संघ का परजीवी है? ए सीटिनोफोरा, बी एनालिडा एंड सी इकाइनोडर्मेटा एंड डी प्रोटोजोआ. तो क्वेश्चन नंबर नाइन का डी प्रोटोजोआ जो है राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इगुलिना. क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी अपेंडिजेज आर प्रेजेंट इन प्रॉन. झींगे में कितने उपांग उपस्थित होते हैं? 18, 16, 17 एंड 19. तो झींगे में जो कुल उपांग होते हैं वो 19 होते हैं, जो सिपेलिक, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल अपांग में 8, 5 एंड 6 के अनुसार से विस्तारित हुए होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, 19 पेयर्स. एटोगेमी केवल पाया जाता है, या यूं कहें स्वयुग्मन जो होता है वो केवल प्रेजेंट होता है. ए पैरामिशियम कॉडेटम, बी ऑरेलिया अमीबा, डी मोनोसिस्टिस. तो स्वयुग्मन जो होता है एटोगेमी वो पैरामिशियम कॉडेटम में पाया जाता है. 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ए पैरामिशियम कॉडेटम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12. दंशक कोशिकाएं पाई जाती हैं. दंशक कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, ए प्रोटोजोआ,
B. पोरिफेरा, C. सिनेडेरिया एंड D. निमेट्री हेलमंतीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो सी, सिनेडेरिया में दंशक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रोफेलिया इन ऑरेलिया कंप्रेसिज ऑफ हाउ मैनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ऑरेलिया में रोफेलिया कितने संवेदकों से मिलकर बनता है, ए 2, बी 3, सी 6 एंड डी 8। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो डी 8, 8 संवेदकों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्यूजो नेबिशेला स्टेज इन प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच एनिमल्स। स्यूजो नेबिशेला अवस्था किसके जीवन चक्र में पाई जाती है, एंटमीबा, मोनोसिस्टस, टीनिया एंड फेशियोला। बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स ऑन ओवेलिया मेडुसा इज कॉल्ड। अपनी पोषण विधि के आधार पर ओवेलिया मेडुसा पोषण विधि के आधार पर कहलाता है, ए हर्बीवोरस, सी कार्निवोरस। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, मांसाहारी। स्केलेटन सेक्रेटिंग सेल्स स्पंज और स्पंजों में कंकाल बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा स्केरियोब्लास्टिस, सी इज राइट आंसर 16। क्वेश्चन नंबर 17, जेमिल्स अकर्स इन, जेमिल्स पाए जाते हैं। तो जेमिल्स जो होते हैं वो साइकॉन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, साइकॉन में जेमिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डिस्टेंट्री इज कॉज्ड बाय, डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, यानी पेचिस का जो है वो कारण क्या है, एंटमीबा कोलाई, बी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, सी एंटमीबा जिंजिबिलिस एंड डी एमीबा प्रोटियस। तो पेचिस जो होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिका का कारण होता है, इसके बाद एंटमीबा जिंजिबिलिस मशूड़ों में रोग उत्पन्न करता है। तो 18 का वी राइट आंसर हो जाएगा। 19, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है पाया जाता है, तो इसको हम जनरली अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, डी। नेक्स्ट, यकृत फ्लू किस प्रकार का परजीवी है, तो ये डायजेनिक होता है, इसका बी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेलिया रिप्रेजेंटेड ऑरेलिया को निरूपित करता है, मेडुसाइड स्टेज, पॉलिप स्टेज, गैस्ट्रोहाइड्रेट नॉन ऑफ दीज। तो ऑरेलिया को जो करता है वो मेडुसाइड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडुसाइड स्टेज। 22, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम, जंतु जगत और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी जो है वो कही जाती है, संयोजक कड़ी वो होते हैं जो दो कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, युगलीना, 23 सी। 23, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन द प्रोटोजोन्स सेफली कंसर्ट विद द प्रोसेस ऑफ। प्रोटोजोन्स में पाए जाने वाले संकुचन रिक्त का किस प्रकार संबंधित, तो इसका सी ऑस्मो रेगुलेशन सी। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर फाउंड इन, पश्चामी कश जो हैं वो पाए जाते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो ए ल्यूकोशोलेनिया। 26, लार्वल फॉर्म्स ऑफ टीनिया, टीनिया के लार्वा हैं। तो टीनिया का जो लार्वा होता है वो सिस्टी सर्कस होता है, इसका जो 26 का जो सी राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टी सर्कस। गिग्रेनाइन मूवमेंट इन फाउंड इन, गिग्रेनाइन गति पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है वो ए पैरामीशियम में। 28, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फाउंड ऑफ सपोश, फाउंड इन सुपोषी पोषण होता है, तो सुपोषी पोषण होता है युगलीना में, क्योंकि ये पादप की भांति अपना भोजन का निर्माण करता है। 28 का ए राइट आंसर होगा। एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ, एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। 29 का जो राइट आंसर होगा वो सी, साइकॉन का, स्पंज का लार्वा होता है। टेपवॉर्म इज द कॉमन नेम ऑफ, फीथ कृमि का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो सी, टीनिया सोलियम टेपवॉर्म सी। नेक्स्ट, एंकाइलोस्टोमा बिलोंग्स टू द फाइलम, एंकाइलोस्टोमा का फाइलम है। 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो निमेटोड, क्योंकि ये है निमेटोड है, 31 का टी निमेटोड। द सेकेंड होस्ट ऑफ द टीनिया सोलियम इज, टीनिया सोलियम का द्विपरपोषी होता है। 32 का ए पिग, इसका फर्स्ट प्राइमरी स्टेज जो होता है वो ह्यूमन होता है और सेकेंड होता है पिग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन फेशियोला हेपेटिका,
फेशियल फटिका में उत्सर्जी अंग होते हैं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो बी, फ्लेम सेल्स। 34, द मोस्ट सिंपल कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज आर, स्पॉन्ज में पाए जाने वाली सरलतम नालतंत्र है। तो 34 का राइट आंसर जो होगा वो ए, एस्कॉन टाइप। क्वेश्चन नंबर 35, मेरासीडियम लार्वा फाउंड इन विच एनिमल लाइफ साइकिल, मेरासीडियम लार्वा जो होती है वो पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिवर फ्लूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।